सफर कर रहा है। और युवा प्रोफेसर इतना पढ़ा लिखा, उसके नाम में इतनी डिग्रियां लिखी है कि आगे डिग्री लिखने की जगह नहीं है, आगे डिग्री लिखने की जगह नहीं है। और उसी नाव में एक बूढ़ा खलासी वो भी सफर कर रहा है। तो बूढ़ा सफर खलासी अनुभवी आदमी है, उतना जीवन का पूरा अनुभव है उसको, वो देखता है कि इतना बड़ा लिखा पढ़ा आदमी इस नाव से गुजर रहा है, वो क्या बोलता है कम से कम सुने तो चोरी से अपना उस दरवाजे के बाजू में जाके कुछ उनकी बातें सुने। प्रोफेसर साहब जितना हो सके अपने सारे मंडली को अच्छा सा लेक्चर दे, और फिर जाते जाते बूढ़े आदमी को पूछा, अरे बूढ़े बाबा तुमने जियोलॉजी का स्टडी किया है, ये क्या होता है? मैं तो साहब स्कूल गया नहीं, कॉलेज गया नहीं, ये कैसा लैंग्वेज है ये तो मुझे पता नहीं है। अरे बोले तुम्हारे वो एक चौथाई जिंदगी खराब हो गई। दूसरे दिन पूछा, अरे बूढ़े बाबा तूने ओशियोलॉजी का स्टडी किया है? बोले नहीं, तो इसका भी स्टडी नहीं किया। बोले तुम्हारा तो आधा जीवन बर्बाद हो गया। तीसरा दिन फिर पूछा, अरे बूढ़े बाबा तूने मटेरियोलॉजी का अभ्यास किया है? बोले ये तो अजीब सा नाम है, हमने तो कुछ ऐसा स्टडी किया नहीं, हम तो स्कूल गए नहीं, कॉलेज गए नहीं, कुछ नहीं, काला अक्षर भैंस भरा, बहुत अच्छी तरह से गुरुजी समझाते, अभी हम लोग तो वैसा भी नहीं समझा पाते। लेकिन बूढ़े बाबा का जब बारी आया तो बूढ़े बाबा दौड़ते दौड़ते आया प्रोफेसर साहब के पास। प्रोफेसर साहब आपने सिमोलॉजी का स्टडी किया है? बोले सिमोलॉजी क्या बात है, हमने तो ऐसा कोई स्टडी किया ना, ऐसा कोई शास्त्र है नहीं। तो बोले प्रोफेसर साहब अभी जहाज को टक्कर लगी है, ये जहाज अभी डूबने वाला ही है, आज तुम्हारी सारी रोजी अभी गई काम से, अगर तुमको तैरना नहीं आता है दुख सागर पार करने का तो तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ हो गया, तुम मरने वाले। तो सारी डिग्रियां क्या काम आई? प्रैक्टिकल स्टडी भगवान बुद्ध की है। लिखे पढ़े तो बहुत लोग है, हम देखते हैं हर दिन पुलिस में हमने बहुत लोगों के प्रवचन सुने, बहुत पीएचडी करने वाले देखे, लेकिन गोयनका गुरुजी सर का एक मैट्रिकुलेट आदमी सच्चा व्यापार किसे कहते हैं, ये आदमी ने व्यापार कैसे करता है वो सिखाया। और उनके गुरु सयाजी उबाखिन, उनका भी क्या क्वालिफिकेशन है, वो भी सिर्फ मैट्रिकुलेट, और मैट्रिकुलेट होते हुए भी धर्म का बल इतना है, इस विद्या का बल इतना है, एक मैट्रिकुलेट आदमी जब उनका देश स्वतंत्र हुआ तो अकाउंटेंट जनरल, कोई आईसीएस था कोई बीसीएस था उस जमाने में, ये सिर्फ मैट्रिक पढ़ा हुआ आदमी, ये मैट्रिक पढ़ा हुआ आदमी इतना बड़ा काम करता है, भारत का एक व्यापारी को इस तपस्या में तपा के उनके देश पे जो भारत देश का ऋण था वो मुक्त करने के लिए उनको भारत देश भेजा। एक मैट्रिकुलेट आदमी, नौकरी करने वाला आदमी, गवर्नमेंट की नौकरी करने वाला आदमी कितना अच्छा काम कर सकता है, इससे बड़ा उदाहरण दूसरा कोई नहीं है। इतना अच्छा व्यापारी दूसरा कोई भारत देश में किधर भी उत्तर नहीं है, नहीं तो आज के बड़े बड़े जो भी इंडस्ट्रियल है क्या बोलते हैं, सारा भारत मेरे मुट्ठी में। अरे क्या करोगे आपका भारत देश को मुट्ठी में, क्या करोगे तुम, पैसा खाओगे क्या खाओगे? तो जो इंसान को समझदार रहनी चाहिए इस विद्या से ही आएगी। तो मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा, ये विद्या बहुत शक्तिशाली है, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है, सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाली है। तो हमें कैसा भी करके जो आदमी इस विद्या में पकेगा नहीं, तरेगा नहीं, अभी मेरे को एक सूत्र का अभ्यास करने के लिए बोला है, एक सूत्र मुझे दिया हमारे पाली डिपार्टमेंट में, अभी हम एमए पाली के लास्ट सेमेस्टर में है, आपके साथ में अलग अटेंड कर रहा हूं, रिटायर होने के बाद में एजुकेशन की भूख तो बहुत थी, हमको तो कुछ मिला नहीं, प्रैक्टिकल स्टडी तो हुआ लेकिन थ्योरेटिकल में क्या है कुछ पता नहीं, तो हमने सैटरडे में इनके साथ भी ज्वाइन कर लिया, एमए पाली भी ज्वाइन कर लिया, उधर पेगोडा में 45 दिन का रेसिडेंशियल कोर्स भी ज्वाइन किया, जितना मिलेगा मैं बोला ये भगवान बुद्ध की विद्या इतनी महंगी है, मिलती नहीं किसी के तकदीर में, तो मैं जितना मिलेगा उतना ले लो। तो एक प्रबंध लिखने के लिए मुझे एक सब्जेक्ट दिया, वो सब्जेक्ट बहुत सुनने लायक है, मुझे मेरे हिस्से में जो आया सूत्र उस सूत्र का नाम है महादुख खंड सूत्र। अभी आर्य सत्य चार जो है हमने सुने कि ये ऐसा ऐसा ये दुख है, ये दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख का उपाय है निवारण का, ये तो हमने सुना,
ये महादुख क्या है? तो महादुख का भगवान ने विश्लेषण किया है। भगवान के पास जितने भिक्षु थे उसमें से कुछ भिक्षु श्रावस्ती में भिक्षा मांगने के लिए जा रहे, सवेरे सवेरे जल्दी निकल गए तो नगर में महिलाएं उठी नहीं अभी तक, तो अभी अंधेरा है, थोड़ा समय के बाद अपन जाते हैं। लेकिन भगवान ने सबको बताया था चरत भिक्षवे चारिकम बहुजनिता है बहुजन सुखाय, तो यह संदेश सबको देना है, भगवान ने मार्गदर्शन किया था। तो ये सारे भिक्षुओं को ऐसा लगा कि क्यों नहीं हम लोग बाकी के जो दूसरे संप्रदाय वाले भिक्षु है, जो और भी संप्रदाय है, भारत में बहुत संप्रदाय है, भगवान बुद्ध के समय में 62 संप्रदाय थे, तो उसमें से कुछ प्रमुख अच्छे गुरु जी के नाम जो अभी जो बताए पुराण कश्यप ये वो जो 6 गुरु है उनके जो संप्रदाय के जो चीवरधारी लोग, मतलब कोई कोई सफेद कपड़े पहनने वाले कोई जिसको हम मुनि बोलते हैं, ऐसे लोगों के पास बोले उनके आश्रम में जाके पूछ लेंगे कि भाई तुम्हारा क्या चला है, तो ये भगवान बुद्ध का ऐसा ऐसा मार्ग है, आप इसको सुनेंगे तो दुखों से मुक्त हो जाओगे। तो लोग गए उनके आश्रम में, उनके आश्रम में जाने के बाद में वो उधर के जो सन्यासी लोग थे उन्होंने इनको देखा ये सारे भगवान बुद्ध के शिष्य है, तो उनको डायरेक्ट शुरू किया, बोले क्या है तुम्हारा गौतम सिद्धार्थ वो क्या सिखाता है, हम लोग भी वही सिखाते हैं जो तुम सीखते हो, वही हम भी सिखाते हैं, जो कामना है जो काम वासना है उसके बारे में जो है मार्गदर्शन हम भी करते हैं, रूप के बारे में भी हम मार्गदर्शन करते हैं, वेदना के बारे में भी हम मार्गदर्शन करते हैं, यही तो बातें तुम्हारे भगवान सिखाता है। तो ये सारे भिक्षु के सब जो थे उनको कुछ समझ में नहीं आया कि इनको क्या बोलना चाहिए, क्या उत्तर देना है, और इनको कैसे हमारा धर्म सिखाए, उन लोग को जमा नहीं। तो ये लोग सारे उठ के बोले चलो भगवान के पास जाएंगे, आए भगवान के पास और भगवान को बताया कि ऐसा ऐसा आज हुआ, सवेरे हम लोग जल्दी जल्दी भिक्षा टन के लिए जा रहे थे तो समय था हमारे पास, तो हम लोग गए दूसरे जो तीर्थ वाले जो लोग हैं उनके आश्रम में गए, उनको अपना धर्म सिखाने का हमारे मन में भाव आया, गए हम लोग, गए तो उन्होंने ऐसा ऐसा बोला कि तुम्हारे श्रमण गौतम में हमारे में क्या अंतर है, क्या फर्क है, क्या वो अलग सिखाते क्या हम सिखाते। तो भगवान ने उनको बताया कि देखो यही तो सबसे बड़ी बात है कि उनको ये तुमको पूछना चाहिए था कि भाई ये जो जो 5 इंद्रिया है इनके विषय में जो कामना जगती है ये कामना के आस्वाद क्या है, ये कामना के दुष्परिणाम क्या है, इसका निसरण क्या है, इसका त्याग क्या है, ऐसा रूप का ऐसा वेदना का, और बात भी बताया देखो ये सारी जो चीजें है वो उन्हीं लोगों को पता है, एक तो मैं सम्यक संबुद्ध हूं मेरे जो शिष्यगण है एक तो उनको मालूम है और अभी तुम लोग चर्चा कर रहे हैं इनको मालूम है, इसके सिवा किसी को पता नहीं। सारे विश्व में जो लोग इस विद्या को जानते नहीं इससे बड़ा महान दुख इस संसार में दूसरा कोई है, ये महादुख पता है संसार में इसकी स्टडी करना ही पड़ेगा। अगर कोई बुद्ध का अनुयायी चाहता है बनना चाहता है कोई बाबा साहब का फॉलोअर्स है तो उनका पहला जिम्मेदारी है कि भगवान बुद्ध का इस विद्या का दर्शन तो करो अनुभव तो करो, तब तो अपने को समझ में आ जाएगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने क्या दिया हमें, हमें यह रतन क्यों दिया है, इसका क्या लाभ होने के लिए दिया है। तो ये सारी बातें मैं, मेरे को लगता है कि समय बहुत हो चुका है बार बार इधर, तो मैं आप सभी लोगों को विनती करता हूं कि जाते जाते भगवान ने विरासत में हमें एक दो शब्द दिए, भगवान बोले जाते जाते वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादेत वही प्रमाद करके आलस न करके इस मनुष्य जीवन को अच्छी तरह से अच्छी विद्या संपादन करो और सुख शांति पाओ, सारे विश्व को सुख शांति बांटो, यही संदेश मैं आज के एक अच्छे दिन पे मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना ये 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।